That's huge. Yeah. हाथ बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है। सोलो रहले बिल्कुल बिल्कुल ये सेवा सोलो ले ना विद दैट इज जैकेट बैकलाइट बंद कर दे अगर पीछे में बैकलाइट हो ये बैकलाइट वो ये शॉट कह रही है बैकग्राउंड बैकग्राउंड मैम फुल लेंथ बाद में ले रहे पहले आपके मिड शॉट जा रहे हैं पोर्ट्रेट शॉट ठीक है सेंटर सेंटर मेरा बैकलाइट चालू कर वापस आके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए थे ओके बिना म्यूजिक के फोटोशूट कैसे म्यूजिक म्यूजिक ये सीधा है ये वैसे नहीं मैं सीधा हूँ ये पीछे से
सबसे पहले तो ऑफ कोर्स करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि अभी तो वही है त्यौहार एंड ऑफ कोर्स धनतेरस दिवाली इस महीने में बहुत कुछ बहुत सारे त्यौहार है तो उसकी शुभकामनाएं हम सारे दर्शकों को देना चाहेंगे। फ़ोटोशूट हमारा रीज़न ये है करने का बिकॉज़ जो हमने लास्ट किया था साथ में वो एक मैगजीन के लिए किया था हमने आई डोंट रिमेंबर सो दिस इज़ फॉर अगेन अ मैगजीन बट आफ्टर 3 years तो ऑब्वियसली जब भी मौका मिलता है इनके साथ काम करने का हाउएवर इट इज प्रिंट बीट शूट्स और व्हाटएवर ऑलवेज ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू वर्क विद अस सो या वी आर डूइंग द फोटो शूट फॉर दिस That's so sweet. And plus थोड़ा सा मैंने ना मेरे अंदर लुक्स में चेंजेस आ गए तो नया फोटो शूट चाहिए था तो वो कर रहे हैं या आई थिंक एज एक्टर्स हम वी कीप ऑन वर्किंग ऑन आर सेल्फ बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेशन की ही ये डिमांड होती है कि हमें अच्छा दिखना होता है अच्छा लगना होता है रिगार्डलेस ऑफ यू नो वट एवर द सर्कमस्टेंसेज मे बी और उसके लिए doing photo shoots is always a good blessing for us as actors because usme kya hota hai hame pata chalta hai that you know jis tarah se hum apne aap pe kaam kar rahe hai how is it looking wo kaisa lag raha hai kaisa nahi so but also as actors hum apne aap mein kuch nahi hai there is a huge support system jo hamare piche hota hai jiski wajah se hum jo lagte hain wo lagte hain लाइक इन टर्म्स ऑफ आर मेकअप नाउ अवलीन इज देयर हु इज डूइंग माय मेकअप इज देयर पूजा इज डूइंग द स्टाइलिंग इज हेल्पिंग या पूजा वाज डूइंग द स्टाइलिस्ट शी स्टाइल्ड हिम एंड मी एंड देन देयर इज बर्मन पिक्चर्स अमेजिंग फोटोग्राफर कॉल्ड हु आर डूइंग द फोटोग्राफी या सो आई फील दैट देयर इज अ ह्यूज टीम बिहाइंड एक्टर्स जो वो यू नो जिस तरह से लगते हैं जो लुक होती है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है हमारी लुक के पीछे एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट फोटोग्राफी एंड फोटोशूट्स आर ऑल अबाउट इफ माय हबी वांट्स टू ऐड एनीथिंग आई डोंट नो आई मीन शी सेड एवरीथिंग टू सम इट अप ऑल इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस कमिंग बैक ऑन द यू नो सेलुलॉइड विद हर when it comes to the photo shoots so yeah I mean looking forward to this one baki aap enjoy kariye dekhiye kaise hona actually in logo ka idea tha inka inka aur jo team hai jo it was Berman's Pictures idea they specially come down from Delhi they specially come down from Delhi to do this with us with both of us and we are very happy that they've chosen us what else yeah I mean it's wo shiddat ke sath mein kuch bhi kaam aap karna chahe to usko phir mana nahi kiya ja sakta so Berman Pictures were you know very very you know professional in their approach and it was really nice of them to you know give us the opportunity to you know alliance with them so it's fun and plus festivals are there so obviously why not to start on a good note with Berman Pictures kyunki वैसे भी कहते हैं ना दिवाली जब होती है तो नया साल एक्चुअली में वहां से ही शुरू हो जाता है तो आई थिंक इट्स अ गुड डॉ यू नेवर नो वी हैव डन स्टिल्स नाउ आगे देखते हैं वेब सीरीज मूवीज और टीवी क्या करते हैं साथ में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लीज जो भी कास्टिंग वाले देख रहे हैं जरूर हमें कास्ट करिए थैंक यू उसकी उसके उसके पीछे तो उसका उसका क्रेडिट पूजा को जाता है जो हमारी स्टाइलिस्ट है सो थैंक्स पूजा फॉर स्टाइलिंग अस पूजा हाँ जी जी सो दिस मूवी इज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज अगेन इट्स सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब प्रीति सपरू जी जो कि बहुत ही दिग्गज नाम है पंजाबी इंडस्ट्री का मुझे गूजबम्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हुए बिकॉज उनका कमबैक है एज अ डायरेक्टर आफ्टर 12 years एंड यू नो द कास्ट अराउंड मी इज़ प्रीटी ह्यूज सो कुडंट बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू वर्क अलॉन्ग साइड अ बिग कास्ट लाइक रूबीना बाजवा पुनीत सर सर तेज सपरू सर गुग्गू गिल सर सो ऑल ऑफ देम आर यू नो वेटरन्स देयर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई जर्नी इन द पंजाबी फिल्म फैक्ट्री आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज मैं खुद सरदार नहीं हूँ तो मेरे हबी को चलो एक चेकलिस्ट में मेरा पूरा काम हो गया हाँ जी
पंजाबी मूवी में देखना, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब तेरी मेरी गर्ल बन के रिलीज होगी और कब मैं इनको बड़े पर्दे पे देखूंगी। आपके शो पे काफी सराहा जा रहा है। पटियाला बेब्स, हाँ, जो मैंने शो किया था बहुत पसंद आया लोगों को। मैं खुश हूँ उस बात के लिए कि लोगों को मेरा काम उसमें पसंद आया। अभी मैं परम अवतार श्री कृष्ण कर रही हूँ एन टीवी पे, जैसा कि सबको पता है, और माइथो में ये मेरा पहला कदम है। मैंने आज तक कभी किया नहीं है, तो बस वही कि आप लोगों की तरफ से ही हम एज एक्टर्स अपने दर्शकों तक पहुँचते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों के ज़रिए कि बस जो प्यार है वो बरकरार रहे और कुछ नहीं। ऑनेस्टली बताऊँ बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने अपना जो अगला शो या अगला कुछ पिक्चर साइन किया वो क्या है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होता है कि मीडिया में या न्यूज़ में ये कुछ पढ़ते हैं और बोलते तू ये कर रही है, तो मैंने कहा हाँ मैं ये कर, अच्छा कंग्रेचुलेशन दैट्स यू, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट काम की बात हमारे घर पर होती ही नहीं है, काम हम डिस्कस करते ही नहीं है। हम मूवीज़ या फिर टीवी की बात तब करते हैं जब हमें कुछ जॉइंटली देखना होता है। अरे आज बिग बॉस आ रहा है देखें क्या, अरे ये मूवी रिलीज हो रही है चलो लेट्स गो फॉर द फिल्म। बट वो पता है कि दिल में ही सिनेमा है, माँ तो है ही लेकिन सिनेमा भी है, तो यू नो समथिंग और द अदर शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी फॉर अस। तो आज फोटो शूट कर रहे हैं तो आई मीन ठीक है, डिस्कस ज़्यादा नहीं करते बट यू नो कोशिश हमेशा रहती है कि एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते रहे हम, है ना। और काम और शूटिंग में वैसे भी इतना बिजी रहता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि अभी ऐसे है साथ में तो फिर एक मौका भी मिल जाता है ना वो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। फोटोशूट बस एक बहाना है एक तरह से। बेसिकली जो आपका कैप्सूल चलेगा, मयंक और हुनर 3 साल के बाद फोटोशूट कर रहे हैं, है ना। बोल सकते हैं आपने रिजेस्ट बिग बॉस का जिक्र किया है। जी जी जी, टॉप 3 में देखिए। अब इस बार जो सेलिब्रिटी का सीजन है सारे ही दोस्त हैं, सारे ही दोस्त हैं, बट मुझे लगता है कि पारस इज गोना गो, सिद्धार्थ शुक्ला इज गोना गो, एंड विमेन थोड़ा सा, या आई शुड मेंशन देम एज वेल, सो रश्मि देसाई इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रांग ऑप्शन टू गो थ्रू। या मतलब आई नो एवरीबॉडी, तो मैं तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर को तो चूज भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सबको जानती हूँ, सबके साथ मेरा मतलब ऑलमोस्ट लाइक आरती के साथ तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी ऑनेस्टली। गृहस्थी और मेरा पहला डेब्यू मेन लीड मैंने उसी के साथ किया था। इनफैक्ट ये बात शायद इन्हें भी, मुझे रोना ना बिना ग्लिसरीन के रोना उसी ने सिखाया था, उसी की वजह से मैंने सीखा। एंड देवोलीना भी बहुत क्लोज है मेरे, तो आई रियली लाइक हर ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। आई रियली लाइक रश्मि ऑल्सो, मुझे वो बहुत सुलझी हुई है, बहुत सॉर्टेड है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है सारी चीज़ें। आरती भी अच्छा कर रही है। दलजीत के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ, बट दलजीत, आई थिंक दलजीत हैज़ गॉटन एलिमिनेटेड, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट, बट शी प्लेड रियली वेल and I'm very happy for her growth and I wish everyone all the best. मतलब मेरे लिए तो सभी विनर है, तो जो भी जीत जाए। thank you, thank you, thank you.